में हमारे पास वाटर है, अब इसको हमने स्टीम में कन्वर्ट कर दिए, कितना हीट एनर्जी दिया आपने, डेल्टा की इज इक्वल टू 54 कैलोरी आपने दिया। यहाँ पे इनिशियल जो मास था वो 0.1 ग्राम था, दैट इज मास, तो 0.1 सीसी वॉल्यूम इनिशियल। ये क्योंकि यहाँ पे आप नोट कर लो कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 सीसी होता है, या 1 सीसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, या 10^-2 × 10^-2 × 10^-2 मतलब 10^-6 मीटर क्यूब, या 10^-3 लीटर। तो ये हमारे बहुत ही काम की बात है फ्यूचर में, आज भी कल भी, जब डॉक्टर बन जाओगे तुम, सिरेंज लगाओगे पेशेंट को, ज़बरदस्ती लगाओगे, लगवाना नहीं चाहेगा फिर भी लगाओगे, तो ये जो सिरिंज में जो वॉल्यूम है वो सीसी में ही जनरली हम लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं, तो वो तो जब तुम इंजेक्शन लगाओगे तब मेरी बातें तुम्हें याद आएंगी। चलो यहाँ से इनिशियल वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम जो है वो 167.1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, ये यहाँ से देखो, यहाँ से हमने बाहर से टेम्परेचर बढ़ा दिए, ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी चेंज आ गया होगा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आया यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली अगर मैं इंटरनल एनर्जी चेंज लेता हूँ तो कौन सा ला लगाऊँ, क्या वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल इतना हो गया यार, आपने हीट एनर्जी भी इतना दे दिया कैलोरी में, तो आपको इंटरनल एनर्जी चेंज कौन सा ऐसा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में जो करेगा, कॉमन सेंस अब तो पता चल गया होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज द इंटरनल एनर्जी एंड द प्लस वर्क डन। इसका मतलब ये होता है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब बस कुछ नहीं करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, इसमें वैल्यू रखना, कैलकुलेट करना है। डेल्टा क्यू इधर है, इधर 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 54 कैलोरी है इंटू 10^4.2 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। प्यारे बच्चों मैं सब बेसिक समझाता हूँ, और वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा भी, तो ये 54 × 4.2 प्रेशर की वैल्यू यहां से डाल दो, दिया होगा प्रेशर, ये प्रेशर कौन नॉर्मल प्रेशर है 0.1013 × 10^5 0.1013 × 10^5 और वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, ध्यान देना एसआई में सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यह जाएगा 54 × 4.2 × 10^5 और ए सी सी इधर गया 167.1.1 × 10^5 मीटर क्यूब, 10^-6 10^-6 मीटर क्यूब, ऐसा ही यूनिट में 8 जूल ये सही आ जाता है, ये जो हार्ड वर्क है वो आप चलो कर लिए, समझ में आ गया, जो मेरा काम था समझाना समझा दिए।